नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संध्यास किचन में। आज हम जो डिश बनाने जा रहे हैं वो है गोभी के पराठे, फूल गोभी के पराठे। सर्दियों में पराठे सभी खाते हैं। देखिए, हम ना इसने गोभी को मैंने धो लिया है, इसको थोड़ा सा ना मैं इसके पहले से वॉश कर लिया था ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। अब इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी, इसको मेरे को बारीक कद्दूकस कर लेना है, ज़्यादा मोटा कद्दूकस नहीं करना है, ताकि जब हम पराठे बनाएँ तो हमारे पराठे फटे ना। तो इसको हमने बारीक कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसके लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ना 3 प्याज लेंगे, छोटे छोटे प्याज हैं, इनको हम पहले बारीक चॉप कर लेंगे अपने चॉपर की सहायता से। हमें बारीक चॉप करना है क्योंकि स्टफिंग जितनी बारीक रहेगी पराठे उतने ही अच्छे बनेंगे। देखिए, मेरे बारीक चॉप कर लिया है। हम अब आगे की तैयारी करते हैं। हम एक कढ़ाई में ना 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल के इसको गर्म होने देंगे। जब तक मेरा ऑयल गरम हो रहा है, जीरा मेरा ब्राउन होगा, तब तक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो देखिए, मेरा जीरा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें ना प्याज डालूँगी और प्याज को मैं ब्राउन होने तक भूनूँगी। आप लोग पराठे किस तरीके से बनाते हैं प्लीज़ आप कमेंट में बताएँ। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उसमें कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं और वीडियो बनानी है। तो हम इस प्याज को ना ब्राउन होने तक भूनते हैं। जैसे ही मेरा प्याज ब्राउन हो जाएगा, मैं इसमें अपनी गोभी जो मैंने कद्दूकस करके रखी थी, देखिए मैं उसको ऐड कर दूँगी। इसको ना मुझे भूनना है और ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ज़्यादा पकाने से ना इसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा, जो कि मुझे नहीं लाना है। क्योंकि जब भी हमारी फिलिंग में मॉइस्चर होता है ना, हमारे पराठे फटते हैं, फिर वो अच्छे नहीं बनते हैं। देखिए, मैंने इसको हल्का भुना है, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करूँगी। मैंने ये एवरेस्ट का मसाला डाला है, गरम मसाला। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से लाल मिर्च डालूँगी। लाल मिर्च मैं दोनों डालूँगी, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा तीखा लाल मिर्च। और अब मैं इसमें ऊपर से डाला है मैंने मसाला, मिक्स मसाला है मेरा। अब मैं हल्दी डाल दिया इसमें, थोड़ा सा हल्दी। अब इसमें डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके। पराठों में ना अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर ऐड करें। अब इसको हम थोड़ी देर से मसालों को, मैं इसमें से कच्चापन निकल जाए, ज़्यादा नहीं पकाना, पर थोड़ा सा पका लेंगे। अब इसमें मैं ढेर सारा हरा धनिया डालूंगी। सर्दियों में फ्रेश धनिया होता है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, तो आप अधिक मात्रा में यूज़ करें धनिया, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। चलिए, मेरी स्टफिंग हो गई है तैयार। क्योंकि मेरी स्टफिंग है, इसलिए मैंने बताया ना कि मेरे पराठे फटते नहीं है। मैं इसमें क्या करती हूँ, मैं अब बताती हूँ। मैं नमक ना गैस बंद करने के बाद, जब फ्लिंग मेरी थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, तब मैं नमक ऐड करती हूँ। क्योंकि आप बीच में नमक ऐड कर देंगे ना मसालों के साथ, तो क्या होगा ना, इसमें नमक मॉइस्चर छोड़ता है, जिससे हमारी स्टफिंग थोड़ी गीली हो जाएगी, मॉइस्चराइज हो जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा इसमें। अब देखिए, अब इसमें काला नमक डाला मैंने। मैं पराठों में दोनों नमक डालती हूँ, थोड़ा सा वो नॉर्मल नमक जो हम यूज़ करते हैं और थोड़ा सा काला नमक। अब मैंने डो लगा लिया, ये मैंने ना इसमें डो लगाया, इसमें थोड़ा सा मैंने अजवाइन और तेल और नमक डाला है। प्लेन डो नहीं है ये, पराठे के डो में आप थोड़ा सा नमक और अजवाइन ज़रूर डालें। अब एक लोई बना के इसको बीच में अंगूठों की सहायता से होल बना लें। अब इसमें स्टफिंग भरें, स्टफिंग आप ढेर सारी भरें, तभी पराठे अच्छे लगते हैं। हल्की सी स्टफिंग से पराठे में ना टेस्ट नहीं आता। इसको रोल कर लें अच्छी से, फिलिंग को अंदर दबा के और ऊपर से ऐसे रोल करके इसको बंद कर दें। फिर देखिए, मैं आपको बेल के बताती हूँ। देखिए, ये पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अब हम इसको रोलर की सहायता से बेल लेंगे। पहले हम तवा रखते हैं ताकि हमारा तवा गर्म हो जाए। जब तक हम पराठा बेलेंगे, हमारा तवा गर्म हो जाएगा। अब हम इसको बेलते हैं और हल्के हाथों से पराठों को बेलें, कभी भी दबा कर ना बेलें। देखिए, मेरे पराठा बेल रहा है। अब इसको बेल के और इस हल्का सा ऊपर से मैं ना सूखा आटा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। मेरा पराठा देखिए बेल गया, कहीं से भी ये फटा नहीं है, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। अब इसको हम सेक लेंगे, हमारा तवा गर्म हो गया, अब इस पर पराठा डालेंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से सेकेंगे, जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, पक जाएगा, हम दूसरी साइड को इसको पलट देंगे। उसके बाद फिर हम इसमें देसी घी लगा के हम पराठों को बनाएंगे। पराठे वगैरह मैं देसी घी से ही बनाती हूँ, ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो आप कौन सा ऑयल बनाते हैं, कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, वो भी देखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप देसी घी से ही बनाएं, आप जो ऑयल यूज़ करते हैं उससे आप बनाइए, बहुत अच्छे बनेंगे पराठे। देखिए, अब इसको हम सेक लेंगे, दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से घी लगा के पराठों को हम बिल्कुल थोड़ा ब्राउन होने तक भून पकाएंगे।
पराठे जब रेड और ब्राउन हो जाते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। उसको थोड़ा दबा दबा के ना सेक देने से बिल्कुल भी पराठे में कच्चापन नहीं रहता। देखिए मेरा पराठा बनकर ये वाला सिकने वाला है। अब इसको दूसरी साइड से पलट कर एक बार और सेकूंगी मैं। जैसे मैं ये देखिए इस तरफ से मेरा पराठा बिल्कुल ही रेड हो गया है। मैं दूसरी साइड से मेरा पराठा मेरा रेड हो जाएगा। और जब तक ये पराठा मेरा सिक रहा है तब तक मैं अपने दूसरे पराठे की बेल कर पराठा तैयार कर लेती हूँ। देखिए मेरा पराठा बन गया ये वाला। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और फिर हम अपना नेक्स्ट पराठा तैयार करेंगे। हो गया ये रेडी मेरा पराठा। एक पराठा मेरा बनकर तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं अपने सारे पराठे बना लूँगी। देखिए अब मैं अपना दूसरा पराठा तवे पे डालती हूँ और उसको भी मैं इसी तरीके से सेक लूँगी। गोभी के पराठे, आलू के पराठे की स्टफिंग हम इसी तरीके से बनाते हैं। सर्दियों में पराठे सभी को खाए जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं सर्दियों में। गर्मियों में पराठे इतने नहीं पसंद थे। सर्दियों में हमारे पास ऑप्शन भी तो बहुत सारे होते हैं ना। हम किसी भी चीज़ का पराठा बना लेते हैं, आलू का, गोभी का, पालक का, बथुए का, और सभी पराठे अच्छे लगते हैं। देखिए दूसरा पराठा भी मेरा बनकर तैयार हो गया है। मैं इसको भी प्लेट में निकाल लूँगी और ये हमारे गोभी के पराठे सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं इसे सॉस और अचार के साथ सर्व करूँगी। आप चाहें तो इसके साथ ग्रीन चटनी, रायता बना सकते हैं। जो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।